हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोगे प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप का 28वें मुकाबले के बारे में, जो कि पिछले वर्ल्ड कप के विनर इंग्लैंड और कमजोर ओमान के बीच में खेला जाएगा। यह 14 जून को यह मैच एंटीगुआ के सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम में थोड़ी सी नमी रहेगी, बारिश की भी संभावना, ह्यूमिडिटी 63% रहेगा और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे सर विलियम रिचर्ड स्टेडियम के पिच आमतौर पर बल्ले और गेंद के बीच में अच्छा बैलेंस प्रदान करती है। पिच कठोर होने के लिए जानी जाती है, इस पर घास की अच्छी परत होती है जो फास्ट बॉलर को मदद कर सकती है, खासकर शुरुआती ओवरों में। पिच में आमतौर पर लगातार उछाल रहता है, जिसका फायदा फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को मिल सकता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच घिसते जाती है, जिससे स्पिनरों को खेलने को मौका मिलता है। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फॉर्स का यहाँ पे 75% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फॉर्स का यहाँ पे 25% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके अवे स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का अवे स्कोर 136 है, तो ही पे सेकेंड इनिंग का अवे स्कोर 122 है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम इंग्लैंड का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड का पहला मैच बारिश के चलते कैंसिल हो गया था। टीम को एक पॉइंट ही मिला था, अगले मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब अगर टीम को सुपर 8 में क्वालिफाई करना हो तो बचे हुए दोनों मैच बिग मार्जिन से जीतना होगा। कप्तान जॉस बटलर और फिलिप सॉल के साथ ओपनिंग करेंगे, दोनों ने लास्ट मैच में स्टार्ट किया था। नंबर 3 पर विलजक को चांस मिला था, वहीं नंबर 4 पर जॉन ब्रेस्टो खेले थे। वहीं इंग्लिश मिडिल ऑर्डर में हैरी ब्रूक है, लाइम लिविंगस्टोन और मोइन अली जैसे ऑलराउंडर शामिल होंगे। सैम करोन को भी टीम चांस दे सकती है। बॉलिंग में टीम बिग स्कोर बनवा दिया था, जोफ्रा आर्चर टीम के लिए प्लस पॉइंट है, मार्क वुड और क्रिस जॉर्डन टीम को विकेट दिला सकते हैं। जहां पर ऋषि टोपली का टीम में शामिल किया जा सकता है, आदिल राशिद और मोइन अली जैसे इंग्लिश यूनिट में मेन स्पिनर होंगे। अब बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि जॉस बटलर है, फिलिप सॉल्ट है, विल जैक है, जॉनी ब्रेस्टो है, हैरी ब्रूक है, मोइन अली है, लाइम लिविंगस्टोन है, क्रिस जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, आदिल राशिद, मार्क वुड है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि विल जैक है, जॉस बटलर है, जोफ्रा आर्चर है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी ओमान का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहां ओमान ने टूर्नामेंट का अपने पहले मैच में नबिया के खिलाफ सुपर 8 ओवर में मैच गंवा गया था। अगले मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई, फिर लास्ट गेम में टीम स्कॉटलैंड से भी हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब टीम अपने लास्ट गेम में टीम को कुछ छाप छोड़ना चाहेगी। प्रतीक 8वें और नसीम खुशी टॉप ऑर्डर में अहम है, जहाँ पे कैप्टन आकिब इलियास जो कि नंबर 3 पर आके एक पार्टनरशिप बना सकते हैं। जहाँ पे जिसान मकसूद और आयान खान मिडिल ओवर में मेन बैटर है। वहीं बॉलिंग में बात करें जो कि मेहरान खान पर सभी के निगाहें होगी। खान ने पहले 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, वह बिलाल खान की कसीमुल्ला और शकील अहमद के साथ फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे। जहाँ पे ओमान के सुफियान शरीफ को टीम में शामिल करना चाहिए। अब बात कर दो ओमान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि कश्यप प्रजापति है, प्रतीक आठवले है, आकिब इलियास है, जिसान मकसूद है, शोएब खान है, अयान खान है, मेहरान खान है, शकील अहमद है, कसीमुल्ला है, बिलाल खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि जिसान मकसूद है, अकीस इलियास है, अयास खान है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। मौजूदा फॉर्म के आधार पर इंग्लैंड मैच जीतने के लिए फेवरेट होगा। ओमान जैसी कमजोर टीम को आसानी से हराने के लिए टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड के पास बैटिंग बॉलिंग दोनों इतनी ताकत है, वो इस मैच को इजीली वे में जीत सकते हैं और ओमान को हरा सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।